अंजू सहारनपुर से। बाबा, आप अष्टावक्र पर ही बोलते रहे, अष्टावक्र का श्लोक जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ आत्म विश्रांति न तृप्तेन निराशेन गता अर्थिना सर्व प्रकार से संतुष्ट है, जो समस्त प्रकार की आशा को समाप्त कर चुका है। अंतर यद अनुभूयते तत् कथम कस्य कथ्यते। उसके हृदय में जो अनुभव हो रहा है उसे किससे कहा जा सकता है, यानी वह अनिर्वचनीय है। अष्टावक्र गंतव्य की बात करते हैं, मंजिल की बात करते हैं। कोई रास्ता नहीं, कोई युक्ति नहीं, कोई विधि नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ उस तत्व की बात। और अच्छा भी है, क्योंकि अगर उस तत्व से बाहर की बात करोगे तो चैन आएगा। पूछो, बहुत से लोगों के प्रश्न मेरे पास आ जाते हैं, मैं उनका जवाब नहीं देता। कारण मैं जानता हूं, उस प्रश्न का जवाब अगर दे भी दिया जाए तो भी इन्हें शांति ना मिलेगी, सुकून ना मिलेगा। और जिसे तृप्ति कहते हैं, जिसे संतोष धन कहते हैं कबीर, वह ना मिलेगा। प्रश्न बहुत हैं तुम्हारे पास, ज्ञानी के पास उत्तर नहीं। ज्ञानी जहां हताश हो जाते हैं तुम्हारे प्रश्नों से, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न अनेक हैं। क्यों अनेक हैं? क्योंकि तुम दुखी हो। बखूबी समझता है ज्ञानी, क्यों? क्योंकि तुम्हारे तरों से होता हुआ वह भी गुजरा है। इन गलियों में वो भटका है, इन्हीं रेतों को उसने फांका है, यहीं पे गिरते संभलते उसने चोटें खाई हैं, दुख झेले हैं, संताप झेले हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसलिए ही तो तुम्हारी स्थिति का वर्णन अच्छे से कर पाता है। अष्टावक्र को देखिए, अष्टावक्र क्या कहते हैं? जो तत्व ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कौन? जिस तत्व की बात हो रही है, जो तुम्हारा खुद का होना है, विच यू आर, उस तत्वज्ञानी व्यक्ति को, जो वह तत्व को जान लेता है, आत्मा में विश्रांति पाता हुआ। अगर विश्राम वहां ना मिलेगा तो तुम्हारे अच्छे बिछौनों पे, तुम्हारे गदम गदम नरम नरम पिल्लोज पे तो विश्राम ना मिलेगा, आराम मिलेगा,
सुकून ना मिलेगा, भूख मिटेगी तृप्ति ना मिलेगी। जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ, जैसे ही तुम उस तत्व के पास पहुंच जाते हो जिसे अष्टावक्र तत्वज्ञानी कहते हैं, तो वहां एक उपलब्धि होती है तुम्हें जिसे विश्रांति कहते हैं अष्टावक्र। वहां तुम सच्चे विश्राम को उपलब्ध हो जाते हो। ये रात का सोना, ये तुम्हारा आराम करना, ये ऊंघना, ये दिन में थोड़ी देर के लिए सुस्ताना, ये विश्रांति नहीं। असली विश्रांति जिसे कहते हैं अष्टावक्र, वह तत्व ज्ञानी को ही मिलती है। और जो तत्व ज्ञानी आत्मा में विश्रांति को पाता हुआ, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, सर्व प्रकार से संतुष्ट है। ये बड़ा प्यारा शब्द है संतुष्ट। तुम जिसे संतुष्टि कहते हो, दरअसल वह संतुष्टि है नहीं। तुम्हें भूख लगी, स्वादिष्ट भोजन खाया, तुम कहते हो मैं तृप्त हुआ। शब्द गलत प्रयोग कर लेते हो, तुम तृप्त नहीं हुए, सिर्फ तुम्हारी भूख मिट गई, सिर्फ तुम्हारी भूख शांत हुई, तृप्ति नहीं मिली। रथ, घोड़े, हाथी, हीरे, जवाहरात, स्वर्ण, सब कुछ जोड़ लेते हो और मानते हो कि मैंने सब पा लिया। लेकिन अगर सब पा लिया तो अष्टावक्र कहते हैं एक लक्षण आ जाता है, विश्रांत, तृप्त। तृप्त नहीं हो पाता। रात सो जाते हो किसी तरह, थक हार के चूर होके नींद आ जाती है, विश्रांति कहां मिलती है? विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। टूटे हुए टिश्यूज जुड़ जाते हैं, थका हुआ मस्तिष्क फ्रेश हो जाता है। लेकिन ये मत समझ लेना कि तृप्ति मिल जाती है, विश्रांति मिल जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि विश्रांति नहीं मिलती। विश्रांति किसे मिलती है? जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ, जब तक तुम स्वयं तक ना पहुंचोगे। सीधा सीधा सूत्र, साफ साफ शब्दावली। जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति को पाता हुआ, सर्व प्रकार से, देखिए शब्द बड़े प्यारे, दूरगामी अर्थ है इनके। सर्व प्रकार से, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई संतप्ति नहीं। क्या है? चारों ओर तृप्ति ही तृप्ति, चारों ओर तृप्ति ही तृप्ति, विश्रांति ही विश्रांति। हाँ हाँ, एक तल है, ऐसा है, और वो तल समझाते हैं जनक को, तुम तो अभी समझ भी ना पाओगे। और भाग्यशाली हैं वे लोग
जो अपने आप को तैयार करते हैं अष्टावक्र को हृदय में उतारने के लिए। मैं सभी प्रकार से बोलता हूं, सभी संत सभी प्रकार से बोलते हैं और एक दूसरे के विपरीत कई कई रास्ते आ जाते हैं। निश्चित ही तुम्हारे ऊहा पोह में गुम हुए मन को ये चीजें इकट्ठा करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। कबीर के दो शब्द, अनहोनी होवे नहीं, जो होनी सो होए। अनहोनी होवे नहीं, जो होनी सो होए। ताकि चिंता क्यों करे, जो होनी सो होए। क्यों फिक्र करता है, जो परमात्मा कहता है जो करता है वैसा ही तो होता है। तू क्यों चिंता करता है, तू अपने आप को बीच में क्यों पिसवाता है। और कबीर का ही दूसरा शब्द सुन लीजिए, तो आप ऊहापोह में पड़ जाओगे। बिल्कुल विपरीत शब्द, मुझे भी रोज ऐसे फोन आते हैं, फला वीडियो में आपने ये कहा, फला वीडियो में आपने ये कहा। अरे भाई, उत्तर से चलूंगा तो उत्तर से केंद्र तक की बात बोलूंगा, उत्तर से चलूंगा तो वही तो रास्ता बोलूंगा, और दक्षिण से चलूंगा तो दक्षिण से केंद्र की तरफ चलूंगा। लेकिन दोनों यात्राएं हैं केंद्र की तरफ, और उत्तर की तरफ की यात्रा दक्षिण की तरफ की यात्रा से बिल्कुल विपरीत होगी। अनहोनी होवे नहीं, जो होनी सो होए। बाकी चिंता क्यों करे, जो होनी सो होए। अब दूसरे शब्द देखिए कबीर को, अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। ऐसे दीनानाथ को किस्वत कहूं बखाए, ऐसे परम पिता परमात्मा को मैं कैसे व्याख्यायित करूं। अब आप दुविधा में पड़ो, और ऐसे ऐसे दोहे मेरे पास लेकर लोग आ जाते हैं। बाबा उलझ गए, कबीर के शब्दों में उलझ गए, नानक के शब्दों में उलझ गए। ये कर्म है क्या, ये कर्म कर्म है या कर्म रहमत है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, दोनों तरफ से बोलते हैं, इसलिए मास्टर कहलाते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर्स। लेकिन तुम इनकी बातों को पकड़ ना पाओगे, जैसे कायदा पढ़ने वाला पीएचडी की भाषा समझ नहीं सकता। बहुत से लोग जो फार्मूला से परमात्मा को समझाने की चेष्टा करते हैं, और मुझे दुख होता है क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, आंखों वाला अच्छी तरह से जानता है कि सामने वाला अंधा है। हां, अंधा बिल्कुल नहीं जानता है कि सामने वाला अंधा है या आंखों वाला है, बस उसकी यही गलती है, और गलती भी नहीं, मजबूरी है। आंखों वाला जानता है सामने वाला अंधा है या सामने वाले की आंखें हैं। ऊट पटांग प्रश्न आ जाते हैं, मेरे ही खुद के शिष्यों के शिष्य हैं, जब पहुंच जाएंगे तो ऐसे प्रश्न कर ही ना पाएंगे। बाबा कोई बाबा है, वो खुद को कल्कि अवतार कहता है, आप बताइएगा ना वो ठीक है या गलत है। मैं सोचता हूं
कि ये लोग अभी बाहर ही टक्करे मारते रहेंगे। कौन पहुंचा है, कौन पहुंचा था, इससे आपके सुखी होने का संबंध क्या है? बता दूंगा, लेकिन मुझे पता है कितनी बार पहले मैंने तुम्हारी गुंडियों को हल किया, लेकिन मैं पा रहा हूं आज फिर वो प्रश्न आ गया जिसमें गुंडी फंसी खड़ी है, गोल गांठ है। नहीं, तुम प्रश्न मत किया करो, इसीलिए मैं कहता मुझे बोलने दो। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारी स्थिति से आएंगे, मेरे प्रवचन मेरे अनुभव से आएंगे। कितना फर्क है दोनों में। तुम्हारे प्रश्न मूढ़तापूर्ण प्रश्न होंगे, मेरे अनुभव स्वयं आंखों से देखी देखी बात होगी, और ये बात जिसे मैं बोल रहा हूं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात, बारात ने क्या करना, सुरत समानी बूंद समानी समुद्र में, सुरत समानी शब्द में, समाप्त हो गया खेला। भला बता भी तुम, बहुत से लोग हैं जो खुद उलझे हैं, सारी दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं गलती से, इन लोगों के हाथों में जनता ने बल दे दिया है। बल है नहीं इनके पास, लोगों से मांगा, लोगों ने कृपा की और बलशाली होने का भ्रम पैदा हो गया। इतिहास की किताबें फलोरे चले जाते हैं, फलाने ये कर दिया, फलाने वो कर दिया, इसको तोड़ दो, इसको बना दो, जो नालायक डॉक्टर आपके रोगों का निदान नहीं कर सकता, वह आपको टेस्टों में ही उलझाए रहता है। जो डॉक्टर आपके रोगों का निदान और इलाज नहीं कर सकता, वह आपको ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो उलझाए रखता है, ताकि आप उसकी कैद से मुक्त होकर कहीं ठीक ना हो जाओ। खुद जानता नहीं इसका इलाज क्या है। तो अष्टावक्र यही कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ, आप विश्रांति चाहते हैं, रोज रोज की विश्रांति विश्रांति नहीं है, विश्राम है, आराम। रोज रोज के भोग भोग हैं, आनंद नहीं। तभी तो अगले दिन तुम्हें फिर उन्हीं क्रियाकलापों में अंतरंग संबंधों में जाना पड़ता है, वही स्वाद फिर से लेने पड़ते हैं, वही भूख फिर से जग जाती है, वही प्यास फिर से तुम्हारा कंठ सूखा कर देती है, बाहर की तप्त तुम्हारा पसीना बहता है और तुम्हें कहीं ठंडक नजर नहीं आती। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां घने पेड़ों की हरियालियों ने, ठंडी हवाओं ने अपने पंख फैला रखे हैं, जहां घना छाया का
साम्राज्य है, जहां ठंडी हवाएं बह रही हैं, जहां शीतल जल रखा हुआ है, जहां खाने को अनंत प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। वहां तुम्हारी भूख मिटेगी सही, बाहर तुम तृप्ति ना पा सकोगे। भूख मिटती है, तृप्ति नहीं होती, इसीलिए तो दूसरे दिन फिर खाना पड़ता है, शाम को ही फिर खाना पड़ता है। संभोग में जाते हो, तृप्ति नहीं मिलती, इसीलिए तो फिर अगले दिन उसी अंतरंग क्षणों में उतरना पड़ता है। प्यास लगती है, पानी पी लेते हो, लेकिन फिर जगती है प्यास, इसीलिए तो फिर से तुमने पानी पीना होता है। ये प्यासे लगती रहेंगी, ये भूखें लगती रहेंगी, ये सुख की चाहतें जगती रहेंगी। कब तक? जब तक विश्रांति का वो परम बोधि वृक्ष, उसके तले तुम बैठ नहीं जाते, उस स्वर्ग के कल्प वृक्ष के छाया तले तुम खुद को परिस्थापित नहीं करते, तब तक ये भूख भी लड़ेगी, ये प्यास भी लड़ेगी, यह अतृप्ति की भावना भी आपको लड़ेगी, ये दुख देगी, तुम्हारी आत्मा को खींचेगी। ऐ मेरे दिल कहीं और चले, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ सब प्रकार से संतुष्ट है। दो शब्दों में कबीर ने खत्म कर दिया काम। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, सभी धन आ जाए तुम्हारे पास, हीरे जवाहरात मोती माणिक सोना, गोधन गज धन, गौ उस वक्त यही धन होते थे, हाथी घोड़े साम्राज्य सेनाएं घर महल सब कुछ आ जाए, और रतन धन खान रत्नों की खान मिल जाए, तृप्ति नहीं मिलेगी। इस तृप्ति के पीछे न जाने तुम कितनी बार जीवन खोए हो, न जाने कितनी बार भटके हो, न जाने कितनी बार अतृप्त लूट आए हो उन कुओं से जिनके भीतर जल था। और इसलिए आज तुम इस हालत में हो, दुखद हालत। संत तुम्हारी ये हालत देख नहीं पाता, करुणा आती है, ठहर जाऊं, चोट लगी है इसके मरहम पट्टी कर दूं, दवा दारू दे दूं, इसका दर्द मिटा दूं। काश तुम्हें भी इस तृप्ति का धन मिल जाता, तुम्हारा भटकना इस बात का सबूत है कि तुम्हें तृप्ति मिली। संत तुम्हारी एक बात से तुम्हारा पूरा अस्तित्व देख लेते हैं, तुम्हें बार बार
अलग अलग बातें पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सच में तो तुम्हें पूछने की ही आवश्यकता नहीं रहती। जब तक तुम कुछ ढूंढ रहे हो, संत नहीं जानता तो और कौन जानता है, तब तक तुम भूखे हो, प्यासे हो, क्योंकि तलाश एक ही चीज की होती है सदा। सभी को, प्राणी मात्र को तलाश एक ही चीज की है, और वो तलाश का है तृप्त, विश्रांत। जब आवे संतोख धन, जैसे ही तुम्हें संतोख मिल जाता है, जैसे ही तुम्हें तृप्ति मिल जाती है, सब धन धूड़ समान। बुद्ध को तृप्ति मिल गई। निकले थे खाली खाली, भोगा, राज भोगा, सुंदर स्त्री भोगी, पुत्र हुआ, पिता बेटा था, बड़ा साम्राज्य था, हीरे मुकुट और जहरात मणि माणिक लाल, इनके खजाने भरे पड़े थे। दास दासियों की कोई संख्या न थी, लेकिन तृप्ति न थी। जनता थी, जय जयकार करने वाले लोग थे। एक झलक पाने के लिए लालायित राजकुमार की एक झलक पाने को तरस रही जनता 30 वर्ष होते। झलक न मिली राजकुमार की। सुदोधन ने गौतम बुद्ध का दर्शन ही नहीं करने दिया प्रजा, और प्रजा बड़ी बेचैन, देखें तुम हमारा राजकुमार कैसा है, कौन बनेगा उत्तराधिकारी, हमारा मालिक, हमारा संचालक कौन बनेगा। और बुद्ध जैसे किसी महल में छुपा लिए गए हों सुदोधन के द्वारा, सब मिला तृप्ति न मिली, विश्रांति न मिली। और एक दिन निकल गए समारोह में, पहले दिन, उसके जगने से पहले मरे हुए फूल हटा दिए जाते, उसके जगने से पहले टूटे हुए पत्ते दरख्तों से चू लिए जाते, सब चुग लिया जाता जो मृत्यु का दर्शन करवाता था। और सुदोधन से यही गलती हो गई, उसे कोई समझाने वाला ना था कि ये मत करो, सहजता से पलने दो इसे। अगर इसके ऊपर नए का ये नहीं करना, जनता में नहीं जाना ये थोप दिया गया, तो इसकी भीतर की आकांक्षा बड़ी गहन होती जाएगी। और जैसे ही इसे यथार्थ का पता चलेगा, वो यथार्थ इसके हृदय में तीर की माफिक हृदय की आत्मा को बींधता हुआ चला जाएगा, फिर उसे कोई रोक ना पाएगा। लेकिन बहुत डरा हुआ था, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा पुत्र साधु ना बन जाए। सभी गृहस्थ चाहते हैं
कि मेरा बच्चा बलात्कारी बन जाए, दुष्ट बन जाए, गुंडा बन जाए, लेकिन संत ना बन जाए। क्योंकि संत बना कि हमारे काम से गया। सुदोधन को यही डर सताई रहता था। चक्रवर्ती सम्राट ही बने, ऐसी भविष्यवाणी थी, या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या चक्रवर्ती साधु होगा। तो चक्रवर्ती सम्राट ही बने, बाप की ये अभिलाषा थी। इतने आयोजन किए, 30 वर्ष तक राजकुमार का मुख जनता को नसीब ना हुआ देखने को। और एक दिन बुद्ध ने कहा, मेरे मित्र के घर कोई उत्सव है पिताश्री, मैं जाना है। पिता रोक ना पाया, कब तक रोकेगा, आखिर तो संसार में उतरना पड़ेगा, कल को गद्दी भी संभालनी है। वृद्ध हुआ जाता है सुदोधन, हाथ कांपने लगे, इनकार ना कर सका। रथवान से बोला, चेतक ले जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पहली बार चला, संसार में बहुत कुछ देखने को मिला था, जिसने कभी मुरझाया पत्ता नहीं देखा, मुरझाया फूल नहीं देखा, मृत्यु का तनिक भी दर्शन नहीं किया, अगर मृत्यु का दर्शन उसे साफ साफ हो गया तो मेरी वो शंका सत्य हो जाएगा, ये कहीं चक्रवर्ती साधु ना बन जाए। तुम भी यही चाहते हो, गुंडा बन जाए, बदमाश बन जाए, चोर उचक्का बन जाए, डाकू बन जाए, लेकिन संत ना बने। संत बना तो गया, सच्चा संत बना तो गया काम से। सब कुछ है, अपने साम्राज्य को विस्तार करे, बढ़ाए, चला। रास्ते में एक झुकी कमर, डिंडोरा पिटवा दिया गया। अपने राजकुमार के प्रथम दर्शन करने के लिए सभी एकत्रित हो गए, सारी जनता रास्ते पर खड़ी थी। एक टेढ़ी कमर वाला वृद्ध बेचारा आगे आगे होने की चेष्टा में संलग्न, पैनी दृष्टि बुद्ध की, चेतक ये क्या है, ये राजकुमार, ये आदमी है, ये ऐसा कैसे हो गया, ये वृद्ध हो गया, प्रभु वृद्ध हो गया, क्या हर आदमी वृद्ध होता है? हाँ हाँ राजकुमार, डरते डरते बोला, समझाया गया था कुछ मत बताना, लेकिन ऐसी बोली वाणी से पूछा बुद्ध ने कि बताना ही पड़ा। हाँ क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ राजकुमार, एक दिन तो आगे चला, बुरी तरह से खांसी आ रही है, किसी को किसी तरह लाठी के सहारे कंपता हुआ आ रहा है। ठहरो, चेतक ये क्या है, ये आदमी है, क्या हुआ? ये बीमार हो गया, इसको क्षय रोग हो गया, ट्यूबरकुलोसिस। प्रभु, बुद्ध कब है? बुद्ध ने कहा, ये सभी व्यक्ति हो जाते हैं। हाँ, किसी भी व्यक्ति को ये रोग हो सकता है, क्या मुझे भी हो सकता है? हाँ राजकुमार, कैसे कहूं कि नहीं हो सकता है? ये राज यक्षमा है, अक्सर राजाओं को ही होता है।
बुद्ध कब है? ये तो कभी न देखा था न सुना था। जिसके जगने से पहले मुरझाए फूल, मुरझाए पत्ते, पेड़ को छोड़ दिए गए फल चुग लिए जाते थे, उसने हरियाली ही हरियाली देखी थी। आगे रुक गया, देखा एक अर्थी गुजर रही थी, राम नाम सत्य है, और पीछे पीछे उसके कतार लंबे। बुद्ध ने पूछा, ये क्या है? राजकुमार, इतनी सहज अवस्था से, इतनी कोमलता से, इतने स्नेह पूर्वक अंदाज में, इतने मासूम हृदय से तुम पूछ रहे हो। मुझे पता है राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा, लेकिन मैं इनकार भी तो नहीं कर सकता। हाँ राजकुमार, सभी मर जाते हैं। हाँ राजकुमार, यह मर गया है, सभी मर जाते हैं, क्या मैं भी मर जाऊंगा? हाँ राजकुमार, तुम भी मर जाओगे। फिर जशन काहे का, फिर जशन काहे का? वृद्ध होगा, बीमार हो, मर जाता, ये जश्न का ही मना रहे हैं लोग, तो मुझे सब्ज बाग क्यों दिखाते रहे इतने साल? तुमने जीवन का परम सत्य मुझसे क्यों छुपा लिया? अब उत्सव न मन पाएगा, चेतक रथ को मोड़ लो। रथ को मोड़ लिया गया, महलों में चले गए, संदेह सही हो गया। राजा ने पूछा, चेतक क्या हुआ? पांव में गड़बड़ा, आंसू थम नहीं रहे थे, मुझे मार दो, मेरा जीवन छीन लो, मुझसे सत्य छुपाया ना गया, मैं गुनाकार। इतनी मासूमियत से पूछा राजकुमार ने, सत्य उघड़ गया, भीतर से छुपा ना सका, मुझे मार दो राजा, मृत्यु दंड दे दो, यही अपेक्षा है मुझे, मैं इसके योग्य हूं। राजा का हुक्म मानने में विफल रहा। सुद्धोधन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, घोड़े को बांध दो और बुद्ध को। आग तो भीतर लगी ही हुई थी, ये सुलगती हुई आग आसमान तक पहुंच गए। मृत्यु के सत्य ने इसे आसमान तक पहुंचा दिया, आग ने दिन भर रात परेशान। वही राजकुमार जिसके चेहरे पर मुस्कान कभी खोई न थी, आज मुस्कान का नामो निशान नहीं, दुख ही दुख चारों तरफ। मर जाऊंगा, फिर जीने का अर्थ क्या हुआ? बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर जीने का अर्थ क्या हुआ? बीमार हो जाऊंगा, फिर जीने का अर्थ क्या हुआ? बहुत गहरे में उतर गई बात, और मृत्यु जिसके भी बहुत गहरे में उतर जाती है, क्रांति हो जाती है। तुम अगर अब तक क्रांतिहीन अवस्था में विचरण कर रहे हो संसार के सुख मानते हुए, तो पक्का है कि तुम्हें अभी मृत्यु का दर्शन हुआ नहीं।
हाँ सब मरेंगे, मैं भी मरूंगा। हाँ मालिक, तुम भी मरोगे। ये शब्द दिन भर रात उसके कानों में गूंजते रहते हैं और मृत्यु जैसे ठहाका मार मार कर उसका मजाक उड़ाती है। तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे। वह पागल हो चला था। मरेंगे तो सिर्फ मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। बस निकल पड़े। राहुल का जन्म हुआ था, 6वां दिन था, घर छोड़ दिया, निकल पड़े तलाश में। और 6 वर्ष के बाद बहुत से गुरुओं के पास जाकर, गुरु ईमानदार होते थे, जिसके पास जो था बता दिया और फिर आगे का रास्ता दिखा दिया। आज ऐसा है नहीं, दुखद है यह स्थिति, दुखद है। गुरु बड़े ईमानदार थे, गौतम, सिद्धार्थ, मैंने जो जाना तुम्हें बतला दिया, अब तुम किसी दूसरे गुरु की तलाश में चले जाओ। मेरे पास इससे ज्यादा और कुछ बताने को है ही नहीं। अभी तो मैं भी नहीं जानता, कहाँ जाऊं गुरुदेव। उस गुरु के पास चले जाओ। ओ महात्मा बुद्ध ने 22 गुरु बतले, और 22वां गुरु था उसका अनार कलाम। उसने कहा उपवास करो। उपवास करने शुरू करते हैं। भूखा मरा, शरीर कमजोर, कृष्ण तनु, वो गौर वर्ण बुद्ध, हिष्ट पुष्ट बुद्ध, कृष्ण तनु हो गया, शरीर काला पड़ गया, मौत आवाई के तब आई। प्यास लगी, हाथ पांव कपने लगे। 49 दिन के बाद प्यास बुझाने के लिए एक कमंडल उठाया, नदी के भीतर उतरा, निरंजना नदी। अभी घुटनों तक भी पानी नहीं आया था कि गिर पड़ा। पास से कुछ औरतें पनघट पे जा रही थीं, पत्र सिर पे रखे गुनगुनाती हुई गीत। और बुद्ध इस असहाय अवस्था में उस गीत को सुन रहे थे जो उनकी मधुर वाणी से जंकृत हो रहे थे। और उस गीत का अर्थ था, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि स्वर ही ना निकले। उन स्त्रियों को न पता था कि ये शब्द तुम्हारे वाण रूप में किसी को संत बना देंगे। वो तो समूह में पन घट की ओर रवाना होती होती गीत गुनगुना रही थी। और ये गीत उस असहाय हुए बुद्ध के हृदय में उतर गया। अब यहां एक बात समझ लेना, जब तक तुम बलि हो तब तक तुम कुछ नहीं सुनोगे। जब तुम निर्भर हो गए और पूर्ण तरह से निर्भर हो गए और पूर्ण रूप से असहाय हो गए, उस दिन बाहर का कुछ तथ्य तुम्हारे हृदय में इतने गहरे प्रवेश करेगा कि फिर देर ना लगेगी, फिर देर ना लगेगी। और बुद्ध को कितनी देर लगी, लोग मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा
मैं कब देख पाऊंगा उस झलक को। बस यही है अवस्था, जिस घड़ी तुम पूर्ण असहाय होकर गिर न जाओगे, तुम्हें बाहर की कोई भी बात तुम्हारे हृदय में पैने से न उतर पाएगी। संत बोलता है, दिन भर रात बोलता है और हीरे मोती बखेरता है, लेकिन तुम सुन कहां पाते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर बल है और बलि कभी नहीं सुन पाता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि बल को उत्पन्न करो, ठीक कहते हैं संसार के लिए। उनको आध्यात्मिक गुरु मत बना लेना, कृपा करना। संसार भोगना हो तो बल इकट्ठा करना, लेकिन ये मार्ग विपरीत है। संसार भोगना हो तो बल इकट्ठा करना, परमात्मा भोगना हो तो निर्बलता में उतर जाना। और जिस दिन तुम पूर्ण रूप से निर्बल हो जाओगे, पूर्ण रूप से असहाय हो जाओगे, उस दिन वो जो बरस रहा है वो भीतर उतर जाएगा आपके हृदय के गहरे प्राणों में। बरस तो सदा से रहा है, बस आप चूके जाते हो अपने बल के कारण, अपनी सुरक्षा के कारण। बल सदा सुरक्षा पैदा करता है, बल तुम्हारी सुरक्षा है, और बल को खुशी मिलती है, बल को सुविधा मिलती है। मेरे एक एक शब्द को हृदय में उतार लेना। बलि व्यक्ति सुविधाओं से संपन्न होता है, तृप्ति नहीं होती। तृप्ति तो असहाय चरम अवस्था में वो बरस रहा है, और तुम्हारी असहाय अवस्था, परम असहाय अवस्था, उसको भीतर उतरने में मददगार होती है। जैसे ही तुम बलि रहे तो तुम उसे मार्ग न दे पाओगे, तुम्हारा बल प्रतिरोध करेगा। मैं जो बोलता हूं ध्यान से समझो, उसे कोई कोई विरला ही उतार पाएगा हृदय में। इसलिए तो हजार वीडियोस बोलने के बाद भी आज मैं फिर बोले चले जा रहा हूं। अन्यथा इतना बोलने की आवश्यकता नहीं। बल कमा लो, और जो गुरु कहते हैं बल कमा लो, बिल्कुल कमा लो, कॉम्पिटिशन लड़ो, दौड़ो, मेडल जीतो, पुरस्कार जीतो। ये तगमे माथे के ऊपर चिपका लो, लेकिन एक बात को याद रखना, ये तगमे माथे पर चिपकाए हुए तगमे जो बरस रहा अमृत हर पल हर घड़ी तुम्हारे ऊपर, उसको भीतर उतरने के लिए जगह नहीं देगा। विल प्रोड्यूस नो स्पेस। यह खाली स्थान नहीं देगा ताकि वो वृहद आपके भीतर उतर जाए। जो बलि हैं इसलिए चूक जाते हैं, बल के कारण चूक जाते हैं। वो बल चाहे कोई भी हो, बल विद्या का हो, बल नॉलेज का हो, बल शक्ति का हो, बल पद का हो, बल धन के अंबारों का हो, खजानों का हो, बल जमीनों की रजिस्ट्रियों का हो, बल अपने रिश्तेदारों का हो, बल अपने मित्र संगी साथियों का हो, बल अपने पारिवारिक जनों का हो। ये बल लोग बल इकट्ठा करना चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि वो नहीं चाहते जाने अनजाने कि वो जो अमृत बरस रहा है उनके भीतर उतरे। उतरता कब है? जब तुम बलहीन हो जाते हो पूर्ण रूप से। इसलिए जो बल कमाना चाहते हैं वो कृपया मेरी वीडियो को मत सुना करो, वे उन्हीं के पास जाओ जो तुम्हें बल जोड़ना सिखाते हैं, जो तुम्हें दौड़ाना चाहते हैं। मेरे शब्द तो आपके प्राणों में घुस जाएंगे, वो आपको निर्बल कर देंगे, असहाय अवस्था की उस चरम परिणति में परिवर्तित कर देंगे जब आप गिर जाओगे। हारे हारे से, थके थके से कोई शुद्ध बुद्ध ना रही, अपने आप को बचाने का भी बल ना रहा, बुद्ध आज उसी अवस्था में है। निरंजना नदी का पानी कोई गहरा भी नहीं था, असहाय होके गिर पड़े तो पास पनघट पे जाती हुई औरतें सहज भाव से गुनगुना रही के वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतने ढीले भी मत छोड़ो कि स्वर ही ना निकले। असहाय थे, कृष्ण तनु शरीर नीला पड़ गया था, जान ना बची थी, गिर पड़े। इसी अवस्था में, निर्बलता की इस अवस्था में ये शब्द तीर की तरह उसके हृदय में उतर गए। रोकने वाला कोई ना था, कोई द्वारपाल ना था, बल के रूप में खड़ा हुआ। आज तो ये निर्बल हो गए थे, पूर्णतया निर्बल हो गए थे। और मैं तुमसे एक कीमिया बता दूं, उपवास का मतलब भी यही था। निर्बल हो जाओ, उपवास का मतलब था निर्बल हो जाओ। इसी उपवास को रखकर भगवान महावीर चले गए। लेकिन तुम तो डरते हो, उपवास का मतलब ही कुछ और समझते हो। तुम तो उपवास का मतलब अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना समझते हो। तुम तो उपवास को यह समझते हो कि भगवान के ऊपर जैसे कोई उपकार कर रहे हो। उपवास नहीं, उपकार कर रहे हो भगवान के ऊपर कोई, कि देखो हम एक दिन तुम्हारे लिए भूखे मरे, अब हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, कर देगा, उसके घर में कोई कमी नहीं। लेकिन तृप्ति न मिलेगी, सभी मिलेगा, तृप्ति न मिलेगी। और तीर की तरह उतरा बुद्ध के भीतर ये संगीत भरा स्वर बदल गया, बैठ गए आके किसी तरह थोड़ा सा जल भरा, प्यास बुझाई और सोचा कि बात तो ठीक है इनकी। वो स्त्रियां जाने अनजाने आज बुद्ध के लिए अंतिम गुरु हो गई। जो 22 गुरु उसको ना दे सके, तो ये आती जाती स्त्रियां न जानते हुए एक ऐसा सूत्र दे गई जो बुद्ध को सारी उम्र काम पड़ा। इसलिए बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है, ना कसो ना ढीले छोड़ो। वीणा के तारों को स्वर ही ना निकले या टूट जाएं, इसलिए मध्यम मार्गी बुद्ध हो गए। सारी उम्र के लिए एक सूत्र दे गई ये औरतें जाती जाती, इनको मालूम भी ना था। और बुद्ध के असली और अंतिम गुरु बनी ये स्त्री, अनजानी स्त्री। तुम भी जिस घड़ी पूर्ण रूप से अशक्त हो जाओगे, उपवास मत करने लग जाना,
क्योंकि शरीर से कमजोर हो जाओगे, निर्बल नहीं हो पाओगे, ध्यान रखना, अशक्त ना हो पाओगे, शरीर की शक्ति खो दोगे, लेकिन वो अवस्था शरीर की नहीं होती, वो अवस्था तुम्हारे शरीर की नहीं होती, वो अवस्था तुम्हारे चित्त की होती है। जब तुम अपने आप को निर्भर महसूस करते हो, निरावलंब महसूस करते हो, तुम किसी का सहारा नहीं बन सकते, कोई तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। चित्त की ऐसी अवस्था, न तुम किसी के सहारे बन सकते हो, न तुम्हारा कोई सहारा रह जाता है, यह होती है निरअवलंब सहायता, बेसहारा, निराश्रित, असहाय, पूर्णतया असहाय। आज बुद्ध उस अवस्था में आ गए और धीरे धीरे बैठ गए उस पीपल के वृक्ष के नीचे जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, बैठ गया, चित्त में संकल्प किया कि अब भूखा ना रहूंगा, जो भी कुछ आएगा उस विशाल की अनुकंपा से ग्रहण कर लूंगा, इंकार ना करूंगा। असहाय व्यक्ति को ईश्वर याद आता है, निर्बल के बलराम। तुम कहते हो कि बुद्ध नास्तिक थे, तुम गलती में, ना बुद्ध नास्तिक थे ना महावीर नास्तिक थे। महावीर नास्तिक होते तो किससे कहते कि मेरी इच्छा पूरी कर दो, अन्यथा मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। कौन है वो जो वस्तु स्थितियों को पलट देते हैं? किससे कह रहे हैं ये शर्त? वो नास्तिक नहीं, और ईश्वर उनकी इच्छा को पूरी करता है। ये तो तुम्हें समझाने के मात्र बहाने। कौन कहता है कि बुद्ध नास्तिक थे? बुद्ध ने तुम्हें ऐसी व्यवस्था दी जो तुम्हें नास्तिकता भरी लगी, लेकिन बुद्ध नास्तिक नहीं। बुद्ध ने उस चरम एनलाइटन को छुआ, उस आनंद को छुआ। बुद्ध की व्यवस्था ऐसी है तुम्हारे लिए कि नास्तिकता जैसे लगे, लेकिन बुद्ध परिपूर्ण है, बखूबी जानते हैं। सिद्धांत तुम्हें देते हैं वीणा के तार को इतना मत कसो के वो टूट जाए, ओ ढीला मत छोड़ो के स्वर भी ना निकले। अंतिम शब्द गुरु के शब्द बन गए, और सुजाता नाम की एक स्त्री पिछले वर्ष ये मन्नत मान के गई थी कि मेरे पुत्र हो जाए, मैं यथाशक्ति तुम्हें भोजन प्रदान करूंगा। भोजन लेके आई खाने के लिए और बड़ी प्रसन्न हुई, श्रद्धा बढ़ गई, जैसे कि आज मेरी इस मन्नत को स्वीकार करने के लिए खुद देवता जिनके आगे मैंने मन्नत मानी वो खुद ही इस मन्नत को स्वीकार करने के लिए विराजमान हूं।
आकर वो भोजन रख दिया। बुद्ध भूखे थे, 49 दिनों से भूखे थे, सब खा गए। भूखे बुद्ध ने सब खाया, तृप्त हो गए, प्रणाम करके चली गई सुजाता। और इतनी रातों का जागा जागा बुद्ध, किसे रात को नींद आती है जब पेट भरन हो। तृप्त बुद्ध को बड़ी प्यारी नींद आई, सुखद सलोनी नींद, मन तन विश्रांति से युक्त, सारी रात परम मस्ती में सुषुप्ति में आराम की निद्रा को मानते हुए आज तक ये नींद ना आई थी, जो आज प्रथम बार नींद आई जब तुम भी इस संसारिक विधियों से उधेड़ गुणों से मुक्ति पालोगे, जिस दिन उस दिन तुम्हें भी चैन आ जाएगा। बस आज बुद्ध ने कुछ नहीं करना था, कर लिया था जो करना था, सारी विधियां अपना ली थी 22 गुरुओं के पास, लेकिन कोई काम न पड़े। जो भूखे उपवास रखे बुद्ध कुछ न पा सके, वो तृप्त हुए खाए हुए बुद्ध पेट भरे हुए, सारी रात की नींद, जो अनिद्रा से युक्त बुद्ध कुछ न पा सके थे, आज सारी रात उस सलोनी नींद के आगोश में सोए सोए जब सुबह उठे तो भोर का तारा विलीन होने जा रहा था। निगाह पड़ी और बस हो गया, जिसे हम तृप्ति कहते हैं। तो मैं भी बता दूं, आज तक जो भी कोई पहुंचा किसी विधि से नहीं पहुंचा। विधियों से तो सिर्फ एक ही निष्कर्ष मिला कि विधियों से मिलता कुछ नहीं, विधियों से मिलता कुछ नहीं। विधियां तुम्हें ये चीजें बता दें, ये निचोड़ बता दें, ये एक्सट्रैक्ट बता दें निकाल के विधियों से कुछ नहीं मिलता। दरअसल विधियां बेकार हैं, लेकिन विधियों को बिना किए आप ये जानोगे कैसे। इसलिए मैं कहता हूं, जो जहां है डटे, मुझे पता है, मैं जानता हूं ये कुछ ना पा सकेंगे। राम राम जपें, राधे राधे जपें, 5 नाम जपें, 1000 नाम जपें, विष्णु सहस्र नाम जपें, गायत्री नाम जपें, तुम कुछ ना पा सकोगे। पाओगे कब? बुद्ध भी कुछ ना पा सके, महावीर भी कुछ ना पा सके, कबीर भी कुछ ना पा सके, नानक भी कुछ ना पा सके। जिसने भी कुछ पाया, जिसने भी वो तृप्ति पाई, अविधि से पाई, सभी विधियां उसके लिए बेकार होंगे। और जब बिल्कुल अव्यस्त थे, किसी विधि को नहीं कर रहे थे, तब वो उतरा। क्यों? क्योंकि खाली खोपड़ी उसी वक्त होती है जिस वक्त तुम कुछ करते नहीं, अन्यथा वो आता है, वो तो कहीं दूर है ही नहीं। उपनिषद कहते हैं कि वो पास से पास है, बस उतरने को बेताब है। तुम रास्ता तो दे दो, लेकिन जब तक तुम व्यस्त हो, वो विधियों से व्यस्त हो, कोई भी विधि कर रहे हो तुम व्यस्त हो, और ये व्यस्तता खलल है। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चला, दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। जब तुम अव्यस्त हो गए, सारे इन झंझटों को, ये झंझटे हैं जिन्हें तुम विधियां करते हो, इनका एक मकसद है
और मकसद मैंने आपको बता दिया, भोगने का भी मकसद है, विधियों का भी मकसद है, और कुल सामूहिक रूप से अगर मैं रस रूप में बता दूं निचोड़ के, रसो वैसा वह रस रूप है। और रस रूप क्या है कि विधियों से कुछ मिलता नहीं, बस तुम्हें विधियां इतना ज्ञान दे दें कि विधियों से कुछ मिलता नहीं और तुम्हें वो मिल जाएगा जिसे तुम बृहत कहते, जिसे तुम विराट कहते हो, जिसे तुम कहते हो तृप्ति, जिसे तुम कहते हो विश्रांति। भोग सिर्फ तुम्हें यही बात समझाते हैं कि दरअसल भोग में कुछ है नहीं। इसलिए पूर्ण तृप्त हुए जनक पूछते हैं अष्टावक्र से, हे ब्रह्मदेव, मुझे तृप्ति कैसे मिले? सब मिल गया है, सब भोग लिया है, सब इकट्ठा है, राजा है, सब है, कुछ कम नहीं है, लेकिन एक वो तृप्ति नहीं है जिसके बिना कुछ नहीं होता। तृप्ति नहीं तो कुछ नहीं। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, अगर तृप्ति ना मिले तो कुछ नहीं। संसार का कुछ भी मिल जाए, ये बगिया खिलते नहीं। तुम्हारा दिल खिल जाए, इस तृप्ति से तुम्हारा दिल खिल जाता है। जब आवे संतों का धन, सब धन धूल समान। जब तक ये संतोष न मिले, तब तक नकली संतोष को, नकली तृप्तियां तुम सबने जचाली हैं अपने हृदय में, ये नकली, क्योंकि अगले दिन फिर जरूरत पड़ती है। तुम पदार्थों से खुद की तृप्ति को, नकली तृप्ति को थोपे चले जाते हैं, बस जज बन गए, तृप्त हो गए, नहीं हो गए, ये नकली है तृप्ति। राजा हो गए, बस मिल गया, नहीं मिला, धन के अंबार लग गए, बस सब मिल गया, कहां मिला, कुछ नहीं मिलता। जब तक तृप्ति का ये धन हृदय में नहीं आता, जो तत्व ज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ सब प्रकार से संतुष्ट है, जो समस्त प्रकार की आशा को समाप्त कर चुका है, भला तृप्ति पाने के बाद कोई आशा शेष रहती है? नहीं रहती। जो समस्त दुखों से परे है, फिर का है दुख? दुख तो बह गए इस तृप्ति के आगोश में, बहाव में दुख बह गए, समस्त दुख बह गए,
उसके हृदय में जो अनुभव हो रहा है। अब अष्टावक्र आखिरी बात कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने हृदय में जो हो रहा है उसे कैसे वर्णित करे, वह निर्वचनीय है, अनप्रेडिक्टेबल, कैसे कहे। मेरा दिल ना खिला, सारी दुनिया खिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला। धन्यवाद।